जो कैसे हो आप आशा है कि आप स्वस्थ होंगे चलो बेटा क्लास फोर्थ की वर्ष मैथ्स की वर्षशीट वर्षशीट नंबर एक सौ दस डेट है ग्यारह ग्या, सौ सोलह ग्यारह दो हज़ार इक्कीस स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम रखोगे आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले चित्र पहली देखिए चित्र को जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ मिस्टेक होगी आपकी चार गलतियों को ढूंढ कर टीचर साझा कीजिए चित्र वन हमारा राइट है चित्र दो में मिस्टेक है चलो बेटा देखते हैं सबसे पहले वन मिस्टेक सेकेंड है हमारा यहाँ पर बोल है यहाँ पर बोल नहीं है टू मिस्टेक यहाँ पर सर्कल है थ्री मिस्टेक और यहाँ पर हट के पास ये नहीं है लाइन जो बनी हुई है ये नहीं है फोर मिस्टेक आगे हमारा है बेटा कितना भारी कितना हल्का कोरोना कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाएं और गरीब और जोधमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था एक संस्था द्वारा वितरित केंद्र पर दिए जा रहे राशन के पैकेट में लिमित वस्तुएं थी जैसे चावल गेहूँ दाल और वज़न कितना पाँच किलोग्राम गेहूँ दस किलोग्राम और दाल दो किलोग्राम किलोग्राम और ग्राम के वज़न की कहियाँ एक किलो ग्राम में वन के जी में कितने ग्राम होते हैं बेटा एक हजार ग्राम होते हैं ठीक है ठीके? आप देखो क्या बता सकते हैं क्या भारी होगा एक किलोग्राम रुई या एक किलोग्राम लोहा कौन सा भारी होगा लोहा अब आगे देखते हैं वजन का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा होना चाहिए जैसे सौ रुपये के नोट का वजन एक ग्राम होता है दस रुपये कुकरे के दस पैकेट का वज़न पाँच सौ ग्राम होता है ठीक है बेटा आप देखो दी गई वस्तु का अनुमान तो वजन के विकल्प पर गोला लगाइए जैसे बस बस कितना ग्राम होगा अनुमान लगाना है बीस किलोग्राम बीस किलोग्राम या एक ग्राम क्या होगा बेटा बीस हजार किलोग्राम क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होती है पक्षी का पंख पक्षी का पंख कैसा होता है बिल्कुल हल्का होता है एक किलोगी का होगा नहीं एक ग्राम का या डेढ़ सौ ग्राम का क्या होगा बेटा हमारा वन ग्राम का थर्ड है फुटबॉल पाँच किलोग्राम पांच, किलो पांच के जी की होगी पचास के जी की होगी या पांच सौ पचास ग्राम की होगी फुटबॉल देखो पाँच किलो की तो होगी नहीं बेटा जो उठे बोझ वेट होता है बच ठीक है पाँच पचास किलोग्राम की भी नहीं जो पाँच सौ पचास ग्राम की हो सकती है आगे है फोर्थ देखो बेटा कलम दस किलोग्राम की पंद्रह ग्राम की पंद्रह किलोग्राम की पंद्रह ग्राम की हो सकती है बेटे इतनी पेन से जो कलम होती है वो इतनी वेट नहीं होता है पुस्तक दस ग्राम की दस किलोग्राम की तीन सौ ग्राम की पुस्तक ना तो बिल्कुल हल्की होती है वो डिपेंड है आ, दस किलो की भी नहीं होती तीन सौ ग्राम की जहाँ तक हो सकती है ठीक है इस पर हम सर्कल लगाएंगे से सुझाव बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तुओं के पैकेट पर उनका वजन ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए कोविड से लेटे मैसेज कोविड नाइन्टीन के विरुद्ध लड़ाई में सुझा देने के लिए मास्क पहने चलो बेटा आज की वर्कशीट फिनिश होती है आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बाय बेटा